भाई साहब काफी ज्यादा स्पीड है। ये है दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल। ये साइकिल खास करके बच्चों के लिए बनाई गई है। इसके अंदर हमने होममेड डीसी मोटर लगाया है जो कि हमारे साइकिल के लिए काफी अच्छा टॉर्क दे देगा। इस मोटर को बनाना सीखना है तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछली वाली वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इस साइकिल को हमने काफी इजी तरीके से बनाया है, इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सामान नहीं है, इजी तरीके से हमने इसको बनाना सीखा है इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर। भाइयों, मैं अपने पड़ोस वाले बच्चे की साइकिल उठा के लेके आ चुका हूँ और अब यहाँ पर पीछे वाले जो देख सकते हो व्हील है, इसको हमें ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपके गाँव का नाम क्या है। अगर आप सिटी में रहते हो, आपके सिटी का नाम क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पीछे वाला जो व्हील है इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो इसका फ्लाई व्हील है, जो इसका जो है चेन चक्का, इसको यहाँ पर मैं साफ़ कर दूंगा। मैंने यहाँ पर स्प्रे किया है, आप केरोसिन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो है हमारा गंदा रहेगा और ये जाम चलेगा तो ये काफ़ी लोड लेगा और हमारी जो स्पीड कम मिलेगी हमें। अब यहाँ पर जो हमारी चेन थी, इस चेन को भी मैंने खोल लिया है और कट करके एक छोटी सी चेन बना दी है। इस चेन को यहाँ पर फ्लाई व्हील के अंदर हम लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये जो है हमारे चेन चक्की के अंदर लग चुका है इस टाइप से। और अब हमारे जो है व्हील को वापस हमें कसना होगा, तो वापस से जैसे हमने इसको खोला था उसी टाइप से यहाँ पर लगा देना है हमें। और भाई इसको मैं इस टाइप से बनाने वाला हूँ कि कोई आराम से बच्चा भी होगा ना, उसको भी बना सके वो। अब यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर लेने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ने बनाई है। इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट मोटर का गियर बॉक्स और 7/7 डीसी मोटर जो है उन दोनों को कनेक्ट किया है हमने। आगे की साइड में यहाँ पर मैंने चेन चक्का लगा दिया एक छोटा वाला, ताकि हमारे चेन से ये कनेक्ट हो जाए। और इस मोटर को बनाना सीखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर जाकर ज़रूर देखना। काफ़ी कम रेट के अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर इसको हमें पीछे की साइड में लगाना होगा, तो यहाँ पर एक जुगाड़ लगा रहा हूँ मैं। एक मैंने एल पत्ती ली है और यहाँ पर इसको इस टाइप से हम लगा देंगे। तो सबसे पहले इसकी साइज का मैं कट कर लूँगा इसको, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर होल भी कर देंगे हम। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर हमारा होल हो चुका है। एक आगे की साइड में किया है और एक पीछे की साइड में होल किया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पीछे वाला जो व्हील है इसके एक नट को ढीला करना है और यहाँ पर इसको इस टाइप से फंसाना है। इसका जो होल है इस टाइप से किया गया है कि इसको आगे पीछे करके हमारी जो चेन है उसको भी टाइट हम और ढीला कर सकते हैं। फाइनली इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा कर हम अच्छे से टाइट कर देंगे। और पीछे की साइड में यहाँ पर मोटर को लगाना होगा, तो मोटर को लगाने से पहले यहाँ पर चेन को हम फिट कर देंगे मोटर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर इसको नट बोल्ट के द्वारा अच्छे से कस देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो मोटर है इस टाइप से ढीली भी हो सकती है चेन, और हमारी टाइट भी हो सकती है। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे हम, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। और एक पत्ती लेंगे जिसके अंदर दो ही तरफ होल होना चाहिए, और यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कस देंगे। अब ये क्या करेगा भाइयों, कि हमारी जो साइकिल चलेगी ना, तो हमारी जो चेन है वो ढीली होकर ना उतरे, इसको सपोर्ट करेगा। फाइनली अब यहाँ पर मैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का यूज़ करूँगा और यहाँ पर हमारी बॉडी के साथ में एक होल करके इसको कस देंगे। अब यहाँ पर मैं वायरिंग कर दूँगा, तो यहाँ पर इसकी वायरिंग काफ़ी सिंपल सी मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं वायर रख रहा हूँ और यहाँ पर हमारी जो 7/7 डीसी मोटर है इसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन कर दूँगा मैं। अब यहाँ पर मैं एक स्पीड कंट्रोलर ले रहा हूँ। ये स्पीड कंट्रोलर हमारी जो किसान भाइयों के पास में दवाई छिड़कने के लिए जो मशीन होती है उसके अंदर लगा होता है। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। इसका जो डायग्राम है आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है कहाँ पर मोटर लगानी, किस टाइप से लगानी। Oh.
फाइनली गाइस हमारी पूरी साइकिल बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी साइकिल है इसके अंदर हमने मोटर भी लगा दी है और इस मोटर का वायर जो है ना यहाँ से हमने निकाल कर जिप टाई के द्वारा बांध दिया है और यहाँ से हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं इसको। हमारे मोटर के वायर को हमने स्पीड कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोलर का जो वायर थे इनपुट वो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लीड लगा रखी है और इस लीड को लगाकर यहाँ से हम जिप टाई के द्वारा ले गए यहाँ पर और यहाँ से इस बैटरी के अंदर दे दिया। अब इसके अंदर हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी है और यहाँ पर हमने सबसे पहले यूपीएस की बैटरी का यूज किया, लेकिन भाई ये जो बैटरी है डिस्चार्ज हो गई है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करके यहाँ पर हमारी ड्रोन की बैटरी का यूज कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम इसको टेस्ट करने के लिए इस बैटरी का यूज कर रहे हैं। आप इस बैटरी का यूज मत करना क्योंकि एक तो ये महंगी आती है, दूसरा कि इसका पावर बैकअप नहीं मिलेगा जिस तरह इसका मिलेगा। ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई है, हमने काफी टाइम से इसको चार्ज नहीं किया तो ये थोड़ी देर चली उसके बाद नहीं चली, इसलिए हम यहाँ पर इस बैटरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको कैसे चलाना है यहाँ पर देखिए, तो ये जो हमारा स्पीड कंट्रोलर है इसको हम इस टाइप से पकड़ के इस टाइप से चालू करेंगे और ये हमारी चल जाएगी। ठीक है, इसको कम पे रखेंगे, मतलब एक बटन भी है इसमें ऑफ का, तो यहाँ पर इसको हमने ऑफ कर रखा है, जैसे इसको घुमाएंगे तो ऑन हो जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको इसको घुमा कर दिखाता हूँ सबसे पहले। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको ऑन करेंगे और देख सकते हो अभी ऑन करते से इसकी स्पीड काफी कम है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे हम, भाई साहब काफी ज्यादा स्पीड है। अभी साइकिल को हम चलाकर देखने वाले हैं, काफी छोटी साइकिल है लेकिन काफी मजा आने वाला है इसको चलाकर। तो भाई अभी हमारा कैमरामैन जो है ना ये चला रहा है इसको, देख रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सेफ्टी गैजेट पहन रखे इसने, ग्लव्स पहन लिए हैं यहाँ पर ताकि कोई डर वर ना रहे। तो भाई देखो अभी हाल मेक जो इसको चला रहा है और Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. फाइनली गाइस आप सभी को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और भाई वीडियो के अंदर कुछ सीखने के लिए मिला है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी साइकिल को बना सके। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।